जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी सेलर MR ऑनलाइन फॉर्म 2019 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म स्टेप बाय स्टेप फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों अभी जो वेबसाइट आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और इस लिंक को ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और अब जो मैं आपको स्टेप बताने वाला हूँ वो स्टेप आपको फॉलो करते जाना है। मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने पहले से ही इंडियन नेवी के अंदर रजिस्ट्रेशन करके रखा है तो आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड, इसके बाद आपको कैप्चा डाल करके लॉगिन कर लेना है। पर अगर आप फ्रेशर हो तो आपको यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट के नीचे जो दिया है रजिस्टर का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस तरह का फेस। आपको यहाँ से चूज करना होगा कि किस माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, रजिस्टर विद आधार वर्चुअल आईडी या फिर रजिस्टर विदाउट आधार। तो मैं यहाँ पर रजिस्टर विदाउट आधार का ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। जैसे ही आप ये सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड हो जाएंगे। सबसे पहला है गवर्नमेंट स्टेट इश्यूड फोटो आईडी। तो आपको यहाँ से कोई भी आईडी चूज कर लेनी है, चाहे वो आपकी वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, 10th 12th पासिंग सर्टिफिकेट हो या फिर पासपोर्ट हो। तो मैं यहाँ पर आपका पैन कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस या फिर 10th 12th पासिंग सर्टिफिकेट या फिर वोटर आईडी भी चूज कर सकते हो। इसके बाद आता है एंटर फोटो आईडी नंबर, यानी कि जो फोटो आईडी यहाँ पर आपने चूज की है उसका नंबर आपको यहाँ पर भर देना है। मैं यहाँ पर पैन कार्ड नंबर भरूंगा, पर आपको जो भी आईडी आपने यहाँ से सिलेक्ट की है उसी का नंबर देना है। इसके बाद आता है अपलोड सिलेक्टेड फोटो आईडी स्कैन कॉपी। जो भी आईडी आपने सिलेक्ट किया है उसको, उसकी जो फोटो आईडी है वो आपको यहां पर अपलोड कर देनी है। आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी आईडी है वो इमेज आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहां पर एक रैंडम इमेज अपलोड करने वाला हूं क्योंकि मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि कैसे ये फॉर्म फिलअप करना है। इसके बाद आता है अपलोड एड्रेस प्रूफ। अब आपको यहां पर एक फोटो और अपलोड करना होगा, या ये कह लीजिए कि स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी होगी अपने एड्रेस प्रूफ की। तो जो आपके एड्रेस प्रूफ की फोटो कॉपी है उसका जो फॉर्मेट है वो PNG, JPG या फिर JPG के अंदर होना चाहिए और 150 KB से ज़्यादा का साइज नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अपलोड नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर मैं फिर से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर फिर से एक रैंडम इमेज अपलोड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर नीचे आता है एंटर द टेक्स्ट शोन इन द इमेज बिलो इमेज। तो आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप कर देना है। कैप्चा कोड सभी के वक्त अलग अलग आएगा तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा कि हमारे वाले में कैप्चा कोड नहीं था। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो जानकारी भी आपने यहाँ पर भरी है और जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेने हैं और उसके बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है, क्योंकि आपको इस डिटेल को बाद में एडिट करने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने आपको बोला है कि आपको जानकारी अच्छे से चेक कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ और इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो। अब आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम फिलअप करना होगा, ये आपको अपनी 10th की मार्कशीट के अनुसार ही फिलअप करना होगा। उसके बाद मिडिल नेम, अगर आपको कोई मिडिल नेम है तो भर देना है, नहीं तो आपको खाली छोड़ देना है। इसके बाद आता है लास्ट नेम, यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम भर देना है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पर भर देना है जो कि वर्किंग हो। इसके बाद आता है फादर या फिर मदर नेम, तो यहां पर आप अपने फादर या फिर अपनी मदर का नाम लिख सकते हो। इसके बाद आता है गार्जियन नेम, या अगर आपका कोई अभिभावक है तो आपको अपने अभिभावक का नाम यहां पर लिख देना है, चाहे वो आपका दोस्त हो, आपके चाचा हो या फिर आपके परिवार में से कोई भी हो, उसका नाम आपको यहां पर लिख देना है। आपने जो पैन कार्ड नंबर भरा था वो यहां पर आ चुका है और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये आपको यहां से सिलेक्ट कर लेनी है। इस प्रकार से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहां से आपको ईयर सिलेक्ट कर लेना कि किस ईयर के अंदर आपका जन्म हुआ है। इसके बाद यहां से आपको अपना मंथ सिलेक्ट करना है, ऐसे आगे क्लिक करके, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, और इसके बाद आपको अपना डे सिलेक्ट कर लेना है। मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए आपका जो जन्म है वो 2000 से लेकर सन 2003 के आसपास होना चाहिए। अगर आपने इसके एलिजिबिलिटी की वीडियो देखी होगी जो कि मैंने बनाई है,
तो आप जान चुके हो कि क्या एलिजिबिलिटी इसमें रखी गई है, और साथ ही उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप उसको एक बार वॉच कर ले। अगर उसके बाद आपको लगे कि हाँ आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो तभी आप इस फॉर्म को फिलअप करें। अब इसके बाद आता है नेशनलिटी, आपको यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल किस स्टेट से है, यानी कि आप किस स्टेट के निवासी हो। तो मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मैं यहाँ पर यूपी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है, आप मेल हो या फिर फीमेल हो। इसके बाद मैरिटियल स्टेटस, आप सिंगल हो या फिर मैरिड हो। मैं आपको बता दूं कि मैरिड लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, वो लोग एलिजिबल ही नहीं होंगे, इसलिए आपको यहां पर सिंगल चूज कर लेना है। अब आता है आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि अगर आपकी बॉडी पर कोई ऐसा मार्क है जिससे आपकी पहचान हो सकती है, उस मार्क को यहां पर आपको लिख देना है। मैं यहां पर लिखने वाला हूं तिल ऑन चिक, यहाँ पर मैं ऐसे ही इस फॉर्म को, इस फील्ड को भरने के लिए लिख देता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके शरीर पर चाहे कहीं पर भी कोई भी निशान है, वो आपको यहाँ पर लिख देना है, चाहे आप उसको हिंदी में लिखो या फिर इंग्लिश में। और साथ ही ये ऑप्शन आपको भरना ही होगा क्योंकि यहाँ पर इसके सामने स्टार का चिन्ह दिया है। अब आपको नीचे आना है और यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दिया है फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ बीटेक शुड सिलेक्ट बीटेक, यानी कि जो लोग फाइनल ईयर में है बीटेक के, उनको बीटेक सिलेक्ट करना होगा क्वालिफिकेशन में। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है मैं सिर्फ वो 10th सिलेक्ट करने वाला हूँ। इसके बाद आता है एडिशनल क्वालिफिकेशन, क्या आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है जो कि यहाँ पर दी गई है। अगर इनमें से आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे पास कोई नहीं है, मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करने वाला नहीं हूँ। अब इसके बाद आता है अकाउंट डिटेल, अब आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी भरनी है जो कि वर्किंग होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एक पासवर्ड अपनी मनपसंद का यहाँ पर भर देना है। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें कि स्पेशल वर्ड भी हो और कैपिटल वर्ड हो, डिजिट का इस्तेमाल हो, और उस पासवर्ड को आपको यहाँ से कंफर्म कर देना है। इसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पर आपको भरना है। और फिर आपको यहाँ पर दो सब्सक्राइब टू एंट्री अलर्ट्स, आई एग्री टू सब्सक्राइब टू एंट्री सॉरी टू अलर्ट्स फॉर एंट्री ऑप्शन, यानी कि अगर आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हो तो जो एंट्री ओपनिंग्स है, अगर वो कभी आगे और निकलेगी ज्वाइन इंडियन नेवी के, तो आपको मेल मैसेज के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी। और इसके अलावा यहाँ पर है आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, दूसरे वाला ऑप्शन को आपको डेफिनेटली राइट क्लिक करना होगा। ऊपर वाले को आप अपनी मर्जी से कर सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते हो। इसके बाद नीचे है प्रीफर्ड एसएमएस लैंग्वेज, यानी कि जो आपके पास एसएमएस आएंगे या फिर ईमेल आएगी, वो आप हिंदी में लाना चाहते हो या फिर इंग्लिश में, तो या आप यहाँ से अपनी मनपसंद से चूज कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, जो जानकारी भी आपने यहाँ पर भरी है वो आपको एक बार अच्छे से चेक करके सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सेव पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर दिया गया होगा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड, इंस्ट्रक्शन हैव बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, इफ यू नॉट वेरीफाइड विद इन 24 आवर योर अकाउंट विल बी डिलीटेड, यानी कि जो आपका अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। और साथ ही एक वेरिफिकेशन ईमेल आपकी ईमेल आईडी पर भेज दी गई है, जो कि ईमेल आईडी अभी आपने यहाँ पर फिलअप की थी। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी ईमेल आईडी चेक करनी है, उस पर आपको एक ईमेल देखने को मिलेगी जो कि इंडियन नेवी की तरफ से आई होगी। तो उसमें वहां पर आपको एक क्लिक हेयर का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको उस क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे तो इसका मतलब आपका अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर आना है, फिर आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी भरनी है, जो ईमेल आईडी के पास आपका भी वेरीफिकेशन गया था। उसके बाद जो पासवर्ड आपने सिलेक्ट किया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पर भरना है, और जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया गया है ये कैप्चा कोड यहाँ पर डाल करके, और उसके बाद आपको लॉगिन कर देना है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर इसको लॉगिन कर लेता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो। अब आपको यहाँ पर कुछ और जानकारी फिलअप करनी होगी। सबसे पहले आप यहाँ से नीचे आइए, और नीचे आने के बाद आप देखोगे डिटेल्स ऑफ 10th क्वालिफिकेशन, आप अपनी 10th की क्वालिफिकेशन मार्क्स में भरना चाहते हो या फिर CGPA के अंदर भरना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर मार्क्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर दिया है सब्जेक्ट्स टोटल मार्क, आपके 10th के अंदर टोटल मार्क कितने थे। तो मैं यूपी से हूँ और यूपी के अंदर 6 सब्जेक्ट थे 10th क्लास में, और उसके जो टोटल मार्क्स थे वो थे 600, यानी कि 600। उसके बाद है ऑब्टेंड मार्क, आपको कितने उसमें से प्राप्त हुए थे। तो मुझे 444 प्राप्त हुए थे, मैं यहाँ पर 444 फिलअप कर देता हूँ। अब आता है परसेंटेज बेस्ड ऑन मार्क्स, तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर आपकी परसेंटेज आ जाएगी। अब अगला ऑप्शन आता है सीरियल नंबर ऑफ मार्कशीट, आपकी मार्कशीट के ऊपर एक सीरियल नंबर होगा, वो नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद है स्टेट कंडक्टेड एग्जाम,
किस स्टेट के अंदर आपका जो बोर्ड का एग्जाम था वो कंडक्ट हुआ था, तो आपको यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आता है बोर्ड कंडक्टेड एग्जाम, किस बोर्ड के द्वारा आपका एग्जाम हुआ था, तो मेरा यूपी बोर्ड के द्वारा हुआ था, तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आता है टेंथ मार्कशीट। अब आपको अपनी टेंथ की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी होगी, और जो मार्कशीट का फॉर्मेट है वो PDF के अंदर होना चाहिए, और उसका साइज 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी आपकी मार्कशीट का PDF है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर एक रैंडम इमेज ही अपलोड करने वाला हूँ, जैसे कि मैं करते आ रहा हूँ। इसके बाद आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपकी मार्कशीट यहाँ पर आ जाएगी, जो भी नाम आपने दिया होगा वो आप यहाँ पर देख पाओगे। इसके बाद आता है पासिंग सर्टिफिकेट। इसके नीचे दिया है इन केस ऑफ पासिंग सर्टिफिकेट नॉट इश्यू बाई योर बोर्ड यू नीड टू अपलोड योर मार्कशीट अगेन, यानी कि जो पासिंग सर्टिफिकेट है अगर आपके बोर्ड द्वारा वो जारी नहीं किया गया तो आपको यहाँ पर फिर से अपनी मार्कशीट अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पर मैं चूज फाइल पर क्लिक करता हूँ और फिर से यहाँ पर मार्कशीट अपलोड कर देता हूँ अपनी टेंथ की। आपको भी सेम तरीके से करना है, दोबारा से अपनी टेंथ की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर देनी है। यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करनी है और फिर उसके बाद आपको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया है ये कैप्चा कोड यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। मैं जैसा कि आपको बताते आ रहा हूँ सभी के वक्त ये अलग अलग होगा, तो आप इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होइएगा। और उसके पहले आपने जो जानकारी यहाँ पर भरी है वो आपको एक बार अच्छे से चेक करनी है, और चेक करने के बाद आपको नीचे आना है और सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अब क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा योर एजुकेशन प्रोफाइल फाइल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी कि जो आपकी एजुकेशन डिटेल है वो सेव हो चुकी है। अब आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल फिलअप करनी होगी। सबसे पहले Address 1 और Address 2 सेक्शन का इस्तेमाल करते हुए आपको अपना एड्रेस फिलअप कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ से अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, जिस भी स्टेट से आप हो। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, और फिर यहाँ से आपको अपना पिन कोड डाल देना है। उसके बाद आता है आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, यहाँ पर पहले से फिलअप है, और अगर आप इन मोबाइल नंबर या इस ईमेल आईडी के अलावा अतिरिक्त ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप करना चाहते हो तो आप वो भी यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। इसके बाद आता है कोरस्पोंडेंस एड्रेस, वो जो आपका ऊपर एड्रेस था वो प्रेजेंट एड्रेस था, सॉरी वो परमानेंट एड्रेस था, और जो नीचे है ये है आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आपको सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी सेम डिटेल दोनों जगह फिलअप हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स की जानकारी दी गई है आपको, यहाँ से पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अब आपको यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड कर लेना है। आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और जहाँ पर भी आपका फोटो उपलब्ध है वहाँ पर आपको जाना है और अपना फोटो इस प्रकार से ओपन कर लेना है। और जैसे आप ओपन कर लोगे तो यहाँ पर आपका फाइल नेम आ जाएगा। उसके बाद आपको सेम तरीके से सिग्नेचर पर क्लिक करना है, और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है आपको वो फाइल यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आता है स्टेट रेजिडेंस प्रूफ, यानी कि डोमोसाइल। अब आपको यहाँ पर अपना डोमोसाइल अपलोड करना होगा, और मैं आपको बता दूँ कि आपके डोमोसाइल का जो फॉर्मेट है वो PDF के अंदर होना चाहिए, ना कि इमेज के। तो अगर आप इमेज यहाँ पर अपलोड करोगे तो वो अपलोड नहीं होगा। आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और जहाँ पर भी आपकी फाइल उपलब्ध है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर आपकी फाइल आ जाएगी, मैं यहाँ से आपको सिलेक्ट करके बता देता हूँ। आपको ऐसे जाना है और अपनी फाइल इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके बाद जो जानकारी भी आपने यहाँ पर फिलअप किया वो आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेनी है, और चेक करने के बाद आपको नीचे आना है, और जो यहाँ पर कैप्चा कोड दिया है ये कैप्चा कोड आपको फिलअप करके सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, आपको ये फिलअप कर देना है, और उसके बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखोगे योर कम्युनिकेशन प्रोफाइल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन की जानकारी भी सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, आपको करंट अपॉर्चुनिटी सेक्शन के ऊपर जाना है। तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे यू कैन अप्लाई फॉर दीज पोस्ट, यहाँ पर दिया है सेलर MR, सेलर MR स्टेवर्ड, सेलर MR हाइजीनिस्ट, यानी कि जिस ट्रेड में ये भर्ती निकाली गई है वो सभी ट्रेड यहाँ पर दिए गए हैं। आप यहाँ पर पब्लिश डेट देख सकते हो, इसके अलावा लास्ट डेट आपकी 1 अगस्त 2019 है, वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। और अगर आप इसके बारे में और जानकारी जानना चाहते हो तो आप व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। तो अब हमको अप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर अप्लाई नाउ के नीचे एक क्लिक दिया है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, आपको इन सभी को आई एग्री
आई एग्री और आई हैव रीड इसके ऊपर क्लिक करके अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। अब क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे पर्सनल डिटेल आपकी आ चुकी है जो कि आप फिलअप करके आ चुके हो। आपको यहाँ पर नीचे आने और नीचे आने के बाद आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैंने सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया है। इसके बाद आपके सामने दूसरे नंबर की जानकारी आ चुकी है। ये आपकी बेसिकली इसके बारे में है कि किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, और जो पोस्ट है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 400 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अपनी सभी जानकारी एक बार कन्फर्म करनी है कि हाँ जो जानकारी आपने भरी है वो बिल्कुल सही है, और फिर आपको यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैंने यहाँ पर भी क्लिक कर दिया है। अब आपके सामने आएगा थर्ड ऑप्शन, इसमें दिया है मिलिट्री रिकॉर्ड, हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम आर्म्ड फोर्स बिफोर, क्या आप डिस्चार्ज हुए हो आर्म्ड फोर्स से, तो अगर हुए हो तो यस, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद आता हैव यू एवर बीन इनरोल्ड इन आर्म फोर्स बिफोर, क्या आप पहले भी इसमें हिस्सा ले चुके हो आर्म फोर्स के अंदर, अगर ले चुके हो तो यस, नहीं तो आपको नो कर देना है। डू यू हैव नेशनल कैडेट कोर्स यानी कि एनसीसी सर्टिफिकेट, क्या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपके सामने आपकी कम्युनिकेशन पार्टिकुलर्स यानी कि जो आपकी एड्रेस की जानकारी है वो आ जाएगी। आपको ये भी यहाँ से कंफर्म कर लेना है, और कंफर्म करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप रिसेट के ऊपर क्लिक करके उसको दोबारा से रिसेट कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर भी रिफ्रेशिंग होगी और अब हमारे सामने आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन जो कि है मिसलेंसेस, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस एंट्री, कि आपको इस एंट्री के बारे में कैसे पता चला। तो आपको यहाँ से एम्प्लॉयमेंट न्यूज, न्यूज़पेपर अदर देन एम्प्लॉयमेंट न्यूज, फेसबुक एड्स ऑन रेलवे वेबसाइट, इंटरनेट एड्स अदर देन रेलवे वेबसाइट एनी अदर, तो आपको यहाँ से कोई भी एक चूज कर लेना है। आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट न्यूज सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आता है व्हाट मोटिवेटेड यू टू अप्लाई फॉर द नेवी, आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है नेवी में अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आपको कोई भी एक रीजन सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपको इनमें से अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब इसके बाद फिर से रिफ्रेशिंग होगी। रिफ्रेशिंग होने के बाद आप यहाँ पर देखोगे आपका फिफ्थ ऑप्शन आ चुका है, डॉक्यूमेंट्स नॉट रीडेबल फॉर एनी रीजन विल बी समरीली रिजेक्टेड, यानी कि अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो पढ़ने लायक नहीं हुए जो आपने अपलोड किया है तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए हैं उनकी क्वालिटी अच्छी हो और उनको रीड किया जा सके। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स व्यू डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करके चेक कर लेना कि डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही भी है या नहीं। अगर आपको लगे कि कोई डॉक्यूमेंट्स गलत हो गया तो आपको रिसेट पर क्लिक करके उसको सही कर लेना है। अब आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। अब क्लिक करने के बाद फिर से रिफ्रेशिंग होगी और अब आप सेवंथ ऑप्शन पर आ जाओगे। यहाँ पर आपका एंट्री नेम दिया है सभी ट्रेड का। इसके अलावा आप यहाँ पर देख लीजिए आपको कौन से ट्रेड में अप्लाई करने के लिए इंटरेस्ट है, यानी कि किस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पर सेलर MR सेफ, और इसके अलावा सेलर MR स्टेवर्ड, और सेलर MR हाइजीनिस्ट। तो आपको इनमें से जिस भी ट्रेड पर आप अप्लाई करना चाहते हो चूज कर लेना है। तो मैं सेलर MR सेफ को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहूँगा, उसके बाद सेलर MR स्टेवर्ड को मैं दूसरी प्रेफरेंस देना चाहूँगा, और हाइजीनिस्ट को मैं यहाँ पर तीसरी प्रेफरेंस देना चाहूँगा। मैं नॉट इंटरेस्टेड किसी में नहीं करूँगा क्योंकि उससे फिर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि चांसेस कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर है आपकी चॉइस ऑफ लोकेशन 1, चॉइस ऑफ लोकेशन 2। आपको यहाँ से अपनी चॉइस की लोकेशन चूज कर लेनी है। इनमें से जितनी भी लोकेशन यहाँ पर दी है इन्हीं में से आपको चूज करना होगा कोई एक लोकेशन। तो यहाँ पर मैं मुंबई सिलेक्ट कर लेता हूँ फर्स्ट लोकेशन के अंदर, और दूसरी लोकेशन के अंदर मैं यहाँ पर भोपाल या फिर भुवनेश्वर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको ये जानकारी भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपके जो जानकारी है वो यहाँ से फिलअप हो चुकी है। अब आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। यहाँ पर आप अपने फॉर्म का पूरा प्रीव्यू देख सकते हो कि कहीं पर आपके द्वारा कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। आपकी पर्सनल पार्टिकुलर्स, एजुकेशन डिटेल, इसके अलावा मिलिट्री रिकॉर्ड, फिर यहाँ से आपका मिसलेंसियस और डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा आपकी प्रायोरिटी क्या है ये भी आपको यहाँ से देख लेनी है। इसके बाद आप यहाँ से आपको क्या करना है, सेव एंड मेक पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आर यू श्योर टू सबमिट एप्लीकेशन, तो चलिए मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ, क्योंकि आप एक बार फॉर्म को सबमिट करने के बाद एडिट नहीं कर पाओगे, यानी कि अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे सबमिट करने के बाद में। तो यहाँ पर मैं यस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ।
तो चलिए यहाँ पर यस कर दिए। अब यस करने के बाद फिर से प्रोसेसिंग हो रही है, और प्रोसेसिंग होने के बाद आप देखोगे अब आपको अपनी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर जमा करनी होगी। यहाँ पर दिया है सिलेक्ट पेमेंट गेटवे, आप किस माध्यम से अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा करना चाहते हो, पेटीएम पेमेंट गेटवे या फिर SBI पेमेंट गेटवे। तो आप अगर पेटीएम के माध्यम से करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, और SBI पेमेंट गेटवे के माध्यम से करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी टोटल 205 रुपये रहेगी। तो चलिए मैं यहाँ पर SBI पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ से आई एग्री करता हूँ। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे कि कौन कौन सा चार्ज आपके फॉर्म पर लग रहा है, या फिर अगर आप डेबिट कार्ड से फीस सबमिट करते हो तो उस पर कितना चार्ज लगेगा, और पेटीएम से करते हो तो उस पर कितना चार्ज लगेगा। तो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है अपनी कैटेगरी, आप SC ST से हो या फिर अदर से हो, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप SC ST सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको एप्लीकेशन फ़ीस जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि SC ST के लिए एप्लीकेशन फ़ीस फ्री है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, पेमेंट की जगह आपको अपना जो SC ST का डॉक्यूमेंट प्रूफ है वो चूज फाइल पर क्लिक करके, जो कि PDF फाइल में होना चाहिए, वो अपलोड करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर SC ST का डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पर आप ओपन कर लीजिए, ओपन करने के बाद यहाँ पर आई एग्री कर लीजिए। यहाँ पर है दियज नो रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम SC ST, यानी कि जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। कैटेगरी फ्रॉम SC ST कैटेगरी विल बी एंटाइटल्ड टू वेवर ऑफ एग्जाम फी, यानी कि वो एग्जामेशन फी से बच गए हैं। आपको यहाँ पर कुछ और जानकारी रीड कर लेनी है। यहाँ पर दिया गया है रोंगली डिक्लेरेशन ऑफ SC ST कैटेगरी विल आल्सो लीड टू स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट दी कैंडिडेट इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 465 ऑफ इंडियन पेनल कोड पनिशमेंट ऑफ फॉर्जरी, यानी कि अगर आप जान पूछ करके गलत डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करते हो या फिर आप अपने आप को SC ST कैटेगरी में जोड़ते हो तो ऐसी स्थिति में आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है क्योंकि आप गलत जानकारी यहाँ पर दे रहे हो। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे थैंक यू योर एप्लीकेशन हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली योर एप्लीकेशन नंबर इज, आपके एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर भी आप देखोगे योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यू कैन यूज दिस नंबर टू ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस, क्लिक हियर टू चेक एप्लीकेशन स्टेटस। अगर आप एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको अपना पहले जो एप्लीकेशन नंबर है वो कॉपी करना है, और फिर यहाँ से आपको क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से आप अपना जो PDF है वो भी डाउनलोड कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करता हूँ, और इसके बाद आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपना जो स्टेटस है वो चेक कर पाओगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, व्यू के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे आप व्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर आप अपने फॉर्म का पूरा प्रीव्यू देख पाओगे कि आपने क्या क्या जानकारी फिलअप की है और आपके फॉर्म के अंदर कैसी जानकारी आपने फिलअप की थी और स्टेटस आपके फॉर्म का क्या है, और यहाँ से आप डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये बेसिकली आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है और आपके फॉर्म की सभी जानकारी भरी जा चुकी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप SC ST से हो तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है, पर अगर आप OBC या फिर जनरल या इसके अलावा किसी और कैटेगरी से हो तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी जिस माध्यम से मैंने आपको बताया उसके द्वारा। तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बैल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें क्योंकि उसी से आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएंगे। जय हिंद दोस्तों।